नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं ऑटोमैक सर्जन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ सुजुकी की बलिनो। ये जो मॉडल है आपका, ये जेटा वर्जन है, सेकंड टॉप आप इसको बोल सकते हैं। देखिए फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करूँगा तो आपको ये प्राइसिंग जो पड़ती है वो आपको 9,54,000 की पड़ जाती है। और ये आपको मैनुअल, ये जो गेयरबॉक्स के साथ आता है, मैं आपको ये वाला वर्जन दिखा रहा हूँ। 1.2 लीटर इंजन पेट्रोल आता है इसमें और काफ़ी अच्छी पावर जनरेट करता है ये। इसके बारे में हम सारी सारी जानकारियाँ लेने वाले हैं। फ्रंट से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है आपको, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको EDRLs मिलती है 3, देख सकते हैं। ये काफ़ी नया लुक इसमें दिया गया, एनहेंस कर दिया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जो सेकंड जनरेशन मॉडल है सुजुकी बलिनो का, इंडिकेटर आपको मिल जाता है बल्ब में, देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ में। ग्रिल की बात करेंगे आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाती है। बीच में बहुत ही अच्छा तगड़ा बड़ा सा सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है विद क्रोम। और इसके साथ ही ग्रिल के नीचे आपको क्रोम कुछ को सराउंडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। नीचे आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। नीचे देखेंगे आपको स्किट प्लेट मिल जाती है और उसके नीचे आपको बॉडी कलर बम्पर देखने को मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। इसके साथ देखेंगे आपको फॉग लैंप इसमें देखने को नहीं मिलता, आपको टॉप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रोम की यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जो कि इसमें दिया है। एलिमेंट्स क्रोम के काफ़ी अच्छे यूज़ किए हैं इसमें। सबसे अच्छा अपडेट जो इसमें दिया गया है, इसमें आपको फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्लस आपको DRLs में दिखता है, प्लस आपको ये जो इंजन हुड है इसमें आपको अपडेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पहले पूरा यहाँ से खुलता था, अब ये यहाँ से ओपन होता है, तो कि काफ़ी बढ़िया। और इसकी जो क्वालिटी है ना, काफ़ी हैवी बनाई गई है, तो ओवरऑल ऐसा फ्रंट से कुछ लुक है इसका। टायर के बारे में बात करूँगा तो आपको इसमें 16 इंचेस के अलावा देखने को मिल जाते हैं जो कि सिल्वर में। फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। टायर के साइज़ के बारे में बात करेंगे तो 185/55/16 का टायर इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें अपोलो के टायर यूज़ किए गए हैं, आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और देखेंगे ORVM आपको बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, विथ इंडिकेटर इन बिल्ट है इसमें। और नीचे का पोर्शन आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखेंगे साइड लुक कुछ ऐसा है, इसमें क्रोम का वर्क किया गया है। जो साइड विंडोज़ है ना, इसके यहाँ नीचे में देखेंगे आपको यहाँ पे क्रोम का कुछ ऐसा लाइनिंग का वर्क किया गया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लो हैंडल की बात करूँगा, इसमें आपको क्रोम वाला मिलता है, प्लस आपको रिक्वेस्टिंग सेंसर दोनों गेट पे मिल जाते हैं, ड्राइवर प्लस को पैसेंजर गेट में आपको मिल जाते हैं। नीचे कोई ब्लैक कलर की मैट ब्लैक की पट्टी कुछ नहीं आती इसमें, कुछ ऐसा देखने में लग जाता है। पीछे के बारे में बात करूँगा मैं तो आपको लाइट पूरी की पूरी नई देखने को मिलेगी इसमें। पुरानी लाइट कुछ भी ऐसा पुराना कुछ भी नहीं लिया गया, पुराने मॉडल से इसमें कुछ भी कैरी फॉरवर्ड इतना कुछ नहीं किया गया, काफ़ी चीज़ें इसमें नई डिज़ाइन की गई हैं। जैसे कि यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाती हैं, देख सकते हैं LED यहाँ फ्रंट जैसे LED में था वैसे यहाँ पे पीछे भी दिया गया, जैसे LED DRLs में दिया गया था। आपको बस बल्ब, बैक लाइट और इंडिकेटर आपको बल्ब में देखने को मिल जाता है। ये वाला जो पोर्शन है ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर आपको बलिनो की 3D में बैजिंग देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं। यहाँ पर क्रोम का वर्क दिया गया यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको बैक कैमरा इसके जस्ट नीचे देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं सुजुकी यहाँ पे आपको लोगो मिल जाती है 3D में। इसके नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है, उसके नीचे आपको नंबर फ्लैश हो रहा है कुछ ऐसा दिखता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको 4 रिवर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 1, 2 यहाँ पर, 3 और ये 4 आपको देखने को मिलते हैं, काफ़ी बढ़िया है। ग्राउंड क्लियर, इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो आपको यहाँ पर 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया इंडियन रोड के हिसाब से। यहाँ देखेंगे आपको डिफॉगर देखने को मिलता है, प्लस वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, रियर वाइपर्स। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट देखने को मिलती है जो कि रूफ में लगी हुई है। आपको एंटीना FM एंटीना देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में दिया गया है। साफ एंटीना इसमें यूज़ नहीं किया गया है, आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हैं अगर आपको मन हो तो। कुछ ऐसा साइड से इसका लुक है। चाबी के बारे में बात करूँगा तो चाबी आपको कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है, इसमें लॉक और अनलॉक का बटन दिया गया है बस, इसमें और कुछ नहीं दिया गया। सुजुकी यहाँ बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। दोस्तों देखेंगे इंटीरियर के बारे में बात करेंगे तो इंटीरियर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पहले मैं हज़ार्ड बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 1 pinch ऑटो डाउन इसमें दिया गया है, और यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स रखने की जगह मिलती है। अगर आप देखेंगे ना तो इसमें कुछ अच्छी, मतलब ऐसा ना अच्छा टच दिया गया है, फीलिंग्स इसमें अच्छी आ रही है अगर इसमें डालेंगे तो। ग्लॉस ब्लैक में है, यहाँ पे आपको लेदर टच देखने को मिलता है, यहाँ पर भी ये वाला जो पोर्शन है इधर भी लेदर टच देखने को मिलता है। ये आपका जो है ना, ये आपका प्लास्टिक में है, जो हार्ड प्लास्टिक होती है। हैंडल आपको क्रोम में मिल जाता है। ORVM कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल रख सकते हैं, प्लस कुछ को सामान आप यहाँ पे रख सकते हैं जो भी आपका बनना चाहता है। 4 speakers आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, AC vents आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको हेडलाइट लैवरर देखने को मिलता है, यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा इसमें। आपको यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल और वाइपर्स कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे।
यहाँ पे देखेंगे आपका वाइपर्स कंट्रोल, जिस साइड आपको देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं ये रहे। हैंडल पे देखेंगे आपको सुजुकी का बहुत बढ़िया लोगो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है जो कि सिर्फ इतने ही पोर्शन में लगा हुआ है। और इसका हम आवाज़ सुन के देखते हैं, आवाज़ कुछ ऐसी आ रही है इसमें। सीट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलती है, थाई सपोर्ट हैंड सपोर्ट काफ़ी बढ़िया इसमें देखने को मिलता है। इसमें आपको सीट हाइट एडजस्टेबल प्लस टेल का ऑप्शन दोनों का देखने को मिल जाता है। ये वाली अपनी मैनुअल वर्जन है, 5 स्पीड इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। यहाँ पर देखेंगे एमआईडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल कंसोल देखने को मिलता है, बल्कि सेमी नहीं, काफ़ी थोड़ा सा ही डिजिटल है, बाकी एनालॉग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका आरपीएम गेज देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं इसको चालू कर लेता हूँ। देखेंगे यहाँ पे आपको किलोमीटर का यहाँ पे दिख जाता है, पूरा पूरा एनालॉग में दिया गया है। यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी वाला दिया गया आपको गेज। यहाँ पे आपको बीच में जो स्क्रीन है इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि गेट खुला है तो गेट का देखने को मिल जाता है। वार्निंग लाइट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल ऐसा कुछ एमआईडी इसका दिया गया है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, रीसेट वगैरह का यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ से रीसेट सेट कर सकते हैं एमआईडी को, ऐसा कुछ दिया है। यहाँ देखें हैंडल में आपको यहाँ वॉइस रिकॉग्निशन भी दिया गया है, प्लस फ़ोन उठाने का कंट्रोल्स भी दिया गया है, काटने का फ़ोन उठाने का भी कंट्रोल्स में दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे स्क्रीन की बात करें तो आपको 5 इंचेस की बहुत ही बढ़िया स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें टच नॉर्मल है, काफ़ी इतना अच्छा टच मैं नहीं बोल सकता हूँ शायद, लेकिन ठीक है। ये देखेंगे बैक होम यहाँ से जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ दिया गया, यहाँ पे ये ऐसा करेंगे तो मतलब ठीक है। यहाँ पे कुछ एवरेज रेंज एवरेज स्पीड वगैरह यहाँ पे दिखाती है, और डैशबोर्ड वगैरह यहाँ पे टाइमिंग दिख जाती है, यहाँ पे कुछ कुछ शो होता है लाइक अ फ्लोटिंग स्क्रीन टाइप का इसमें दिखता है। और डैशबोर्ड की बात करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया है, हार्ड प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी वाला है। यहाँ IRVM की बात करेंगे तो आपको मैनुअल डिमिंग का मिलता है, आपको ऑटो डिमिंग का देखने को नहीं मिलेगा। सनवाइजर की बात करेंगे तो आपको टिकट होल्डर वगैरह नहीं देखने को मिलता है। लाइट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे येलो लाइट देखने को मिलती है, पीली लाइट देखने को मिलती है। यहाँ को पैसेंजर वाले में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ देखेंगे सिल्वर फेंसिंग में दिया गया है, ये से लेकर वो वाले एंड तक काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, तो ऐसा कुछ दिया गया है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स ही देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है, चिलर ग्लव बॉक्स में नहीं मिलता है, तो ऐसा कुछ दिया गया है। नीचे देखेंगे आपको 12 वोल्ट का चार्जर का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं, यहाँ USB का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो लगा सकते हैं आप। और इसके बाद देखेंगे आपको हैजार्ड का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा। इंडिया यहाँ पे AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, काफ़ी बढ़िया फिट एंड फिनिशिंग इसकी लग रही है। नीचे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाएगा इसमें, देख सकते हैं। और AC के साथ में भी अगर देखेंगे ना, तो आपको ये बेस मॉडल से ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है, आपको बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कप होल्डर की जगह मिल जाती है, कप आप यहाँ पर रख सकते हैं। कुछ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स यहाँ देखने को मिल जाता है आपको। इसके साथ ही देखेंगे हैंड ब्रेक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको आर्म रेस्ट भी देखने को मिलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन एक छोटा सा बढ़िया सा क्यूट सा आर्म रेस्ट यहाँ देखने को मिल जाता है, जो कि स्लाइडेबल है। और यहाँ पे आप कुछ कुछ सामान थोड़ा सा सामान रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, इतने ही डीप है, मेरा हाथ थोड़ा सा ही जा पा रहा है तो इतना डीप है। कुछ नहीं, थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा है, यहाँ फैब्रिक अपोल्स्ट्री मिलती है आपको, लेदर अपोल्स्ट्री देखने को इसमें नहीं मिलती है। दोस्तों पीछे देखेंगे अपन को क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पीछे का कुछ ऐसा लुक दिया गया है। यहाँ पे डोर पे कुछ ज़्यादा सिस्टम नहीं दिए गए हैं, सेम वही दिए हैं जो सामने में है, है ना। यहाँ पे कुछ आपको यहाँ फैब्रिक वगैरह सब कुछ दिया गया है, स्पीकर लाइन जगह मिलती है आपको। और इसके साथ ही पीछे की सीट आपको 60-40 स्प्लिट में देखने को नहीं मिलती है, यहाँ पे सिंगल सीट दी गई है। बस आपको हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है, पीछे आपको पासर ट्रे मिल जाती है, कंपनी से बेस मॉडल में आपको नहीं मिलता ये दोनों ही। यहाँ देखेंगे यहाँ पे AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएगा, सिंगल AC वेंट्स, काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये, मतलब ये एक अच्छी चीज़ इसमें बलिनों में दी है कि आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, सिंगल वाला यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये जो मोबाइल चार्ज करने के Type-C और यहाँ पे टाइप एक्चुअल में यहाँ पे आपको Type-A टाइप और Type-C का दोनों का देखने को मिलता है, दो दिए गए हैं एक्चुअल में, वहाँ देख नहीं पा रहा था मैं, थोड़ा सा अंधेरा था, तो इसमें आपको मैंने बता दिया Type-A यहाँ पे और Type-C का यहाँ पे चार्जिंग केबल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, जो काफ़ी बढ़िया। ऊपर आपको लाइट देखने को मिल जाएगी, ग्रैब हैंडल आपको तीनों डोर्स पे देखने को मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे इतना मुझे लेग रूम देखने को मिल रहा है, मतलब बिल्कुल एकदम से कम नहीं है, काफ़ी बढ़िया है। देखेंगे यहाँ पे मुझे इतना सा मुझे लेग रूम मिल रहा है, और हेड रूम की बात करूँगा तो मुझे इतना हेड रूम मिल रहा है, देख सकते हैं मेरी 5'8" है हाइट और मुझे इतना हेड रूम मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से, मुझे कम्फर्ट फील हो रहा है इसमें। ये देखिए फ्रंट का कुछ ऐसा लुक है इसमें,
जो इसकी प्राइस रेंज है उसमें आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सुजुकी बलिनो में मिल जाता है। दोस्तों बात करेंगे बूट स्पेस की, तो यहाँ पे इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको बूट स्पेस कितना है। ये देख सकते हैं ये खुल गया, पार्सल ट्रे आपको इसमें देखने को मिल जाती है। 318 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस देखने को मिलता है। इसमें आपको लाइट्स देखने को मिल जाती है एक जगह पर, यहाँ पर 3 kg लोड आउट का हुक देखने को मिलता है एक ही साइड में, दूसरी साइड में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों स्पेयर टायर के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पर देख लेते हैं कितने इंचेस का स्पेयर टायर है, तो आपको स्टील रिम में मिल जाता है, ब्लैक स्टील रिम है, प्लस आपको 15 इंचेस का स्पेयर टायर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसा दिया गया है, मतलब ओवरऑल 16 इंचेस के टायर है लेकिन स्पेयर में आपको 15 इंचेस मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है वैसे, हर गाड़ी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, तो ओवरऑल कुछ ऐसा दिया गया है। इसका इंजन आपको 1.2 लीटर एडवांस के सीरीज डुअल जेट डुअल VVT इंजन इसमें देखने को मिल जाता है। पावर इसके 88 PS की आ जाती है, 113 Nm का इसमें टॉर्क देखने को मिलता है। अगर इस पर बात करेंगे माइलेज की, तो आपको 20 kmpl का माइलेज इजली दे देगी गाड़ी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँगा तो 37 लीटर्स का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 37 लीटर्स का है। इसके साथ ही देखेंगे तो काफ़ी बड़ी अच्छी पावर है कि ये गाड़ी जनरेट करती है आपके लिए। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा रिव्यू जेटा वर्जन का। ये सुजुकी बलेनो 2022 का मॉडल है, सेकंड जनरेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और इसके साथ ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।